हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लासमेट के प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कुछ ही मिनट्स में कुछ ही चालों के साथ ओपोनेंट को कैसे हरा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, वो कौन सी चालें हैं जिसके थ्रू हम अपने ओपोनेंट को बहुत ही इजीली हरा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर बार ऐसा ही हो, लेकिन कोइंसिडेंटली अगर आप अपने ओपोनेंट से ऐसे स्टेप्स पाते हैं जल्दी उसे हरा सकते हैं। तो लेट्स द गेम बिगिन। सबसे पहले अपन चलेंगे व्हाइट से राजा के आगे वाली पैदल को 2 कदम। जो अक्सर ब्लैक होता है वो भी यही करता है कि अपने राजा की पैदल को चलता है 2 कदम। अब अपन अपने ऊंट को इस प्लेस पर रखेंगे जो कि इसको टारगेट कर रही होगी, जो कि अभी वीक पैदल है। अब ब्लैक की मूव है। ब्लैक अगर इस पैदल को आगे नहीं बढ़ाता है तो अगर इसके जगह वो कुछ भी चलता है, हाथी चलता है, ऊँट चलता है, घोड़ा चलता है, कुछ भी चलता है, लेकिन इस पैदल को नहीं बढ़ाता है ना इस अपने वजीर को यहाँ पे रखता है कि चेकन मेट होती है। इसके अलावा जैसे वो कुछ भी चलता है ये चलता है। और अपन को क्या करना है, अपने वजीर को ले जाके यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यहाँ से टारगेट होगा और इसे घोड़ा भी निकालने की कोशिश। अपने वजीर को अपन यहाँ पे रखते हुए अभी जो ब्लैक होगा वो इस मूव को चलना चाहेगा, ये अपने घोड़ा को यहाँ पे निकालेगा, इससे वो अपने वजीर दूसरे अपोनेंट के अपने वजीर को टारगेट पर कर पाएगा और सामने वाली पैदल को भी टारगेट कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत सोच है। अब अपने नेक्स्ट ही मूव में अपन अपने वजीर को ले जाके यहाँ पे रख देंगे तो उसकी चेक एंड मेट।